Hello students, we are discussing the third lesson of science, that is forest. Till now we have discussed the conditions required to develop a forest, importance of forest in our life and the advantages of forests. Now today we will discuss about the forest products. Forest provide many things to us, to human beings. We can't discuss all of them, but we will discuss some forest products here. The first thing that we get from the forest is wood or timber. You all have furniture at your home. You have a bed which is made up of wood, table, chair, doors, windows. Most of these things are made up of wood. And you all know we get that wood from trees. And you know that the trees are mostly in the forests. So ultimately, we get that wood from the forests. जो वुड है वो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करता है और यूज होता है. डू यू नो दैट पेपर on which you write or your books, that paper is made from wood. Yes, that is made from wood. So that's why we all are saying that don't waste the paper. Class may be टीचर्स आपको बोलते हैं पेज मत फाड़िए, पेज मत वेस्ट कीजिए. व्हाई? क्योंकि अगर आप पेपर वेस्ट करते हैं दैट मीन्स आप ट्रीज को काटने में बढ़ावा दे रहे हैं. पेपर को रिसाइकल करने के लिए आप स्क्रैप डीलर को दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग हेयर एंड देयर. नोटबुक जब आपकी फिल हो जाती है और आपके यूज की नहीं रहती, बुक्स जब आप नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, या तो वो किसी नीडी पर्सन को दे दीजिए, किसी ऐसे बच्चे को जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है, किसी को पढ़ने के लिए यूज हो सकती है. अगर नहीं तो फिर आप उसको स्क्रैप डीलर को दे सकते हैं सो दैट वो आगे उसको रिसाइकल होने के लिए भेजे. रिसाइकल करके वो पेपर दोबारा एक न्यू पेपर बन जाएगा जिससे हम ट्रीज को कटने से बचा सकते हैं. एंड द वुड इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल. यू ऑल नो दैट इन विलेजेस पीपल यूज टू कुक देयर फूड ऑन चूल्हास. And in chulha, wood is used as a fuel. आज भी बहुत सारे ऐसे villages हैं जहां पर चूल्हे में खाना बनाया जाता है. और आप जानते हैं चूल्हे में लकड़ी का ही इस्तेमाल होता है जिसपे हम खाना बनाते हैं. तो वो जो wood है वो सारा forest से ही विलेजेस को मिलता है. सो फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल ऑल्सो. नेक्स्ट इज योर मेडिसिन एंड स्पाइसेस. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द आयुर्वेद. आयुर्वेद हमारे
एक मेडिकल साइंस है जिसमें जो मेडिसिन बनाई जाती है वो प्लांट से ली हुई चीजों से बनाई जाती है। और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो हमको फॉरेस्ट में मिलते हैं, जैसे आंवला, अश्वगंधा, ब्रह्मी और भी बहुत सारे प्लांट्स जिनसे हम मेडिसिन बनाते हैं और मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। सो फॉरेस्ट हमें मेडिसिन देती है। सम स्पाइसेस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। आपको पता है कि आप खाने में आपकी मम्मी रोज मसाला यूज करते हैं। बहुत से मसाले फार्मर्स ग्रो करते हैं लेकिन बहुत से ऐसे मसाले भी होते हैं जो फॉरेस्ट में हमको मिलते हैं। सो नंबर ऑफ मेडिसिन एंड स्पाइसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट इज योर गम्स, रेसिन्स एंड डाइज। गम्स यू ऑल नो चिपकाने के लिए यूज होता है। सो गम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडहेसिव्स एंड इन मेडिसिन्स। जो ये गम होता है ये सिर्फ चिपकाने के लिए नहीं बल्कि कई मेडिसिन्स में भी यूज किया जाता है। नेचुरल गम दैट वी गेट फ्रॉम द ट्रीज और प्लांट्स। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर द गम इज कमिंग आउट फ्रॉम द ट्री। सिमिलरली सम वेराइटीज ऑफ गम्स आर ऑल्सो यूज एज फूड और कुछ वेराइटी के गम्स खाने के लिए भी यूज किए जाते हैं एज अ फूड। मैनी रेजिन्स आर यूज टू मेक वार्निश एंड पेंट्स। और वुड से रेजिन्स भी मिलते हैं जो कि वार्निश और पेंट्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। आप जानते हैं हमारे यहां पर पाइन ट्रीज, चीड़ के पेड़ बहुत मिलते हैं और उन ट्रीज में से एक लिक्विड निकलता है जिसे हम बोलते हैं बरोजा और दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टारपिन ऑयल। तो इस तरह से उसको भी हम पेंट्स में यूज करते हैं। मैनी डाइज, डाइज यू ऑल नो ऐसे कलर्स जिससे हम क्लोथ्स को कलर करते हैं और पेपर्स भी कलर कर सकते हैं। मैनी डाइज यूज टू कलर क्लोथ्स एंड पेपर आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। तो जो ये डाइज हैं ये भी हमको ट्रीज और प्लांट्स से मिलती है जो कि फॉरेस्ट में होते हैं। सो हियर आर द पिक्चर्स ऑफ रेजिन, पाउडर डाइज यू कैन सी हियर एंड गम्स दैट वी गेट फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट इज योर स्पेशल लीव्स। यू ऑल नो ऑल द ट्रीज एंड प्लांट्स हैव लीव्स एंड लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स बट देयर आर सम स्पेशल लीव्स जिनसे हम पैसे भी कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरेका नट लीव्स आर यूज टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव ईटन द फूड एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स विच आर मेड अप ऑफ लीफ। आप में से ज्यादातर बच्चों ने कभी ना कभी जरूर खाया होगा ऐसी डिस्पोजेबल प्लेट्स में जो कि लीव से बनी होती है। पहले के टाइम में डिस्पोजेबल प्लेट्स लीव से ही बनाई जाती थी। ये आज के टाइम में हमें डिस्पोजेबल प्लेट्स प्लास्टिक की, पेपर्स की, थर्मोकोल की मिल जाती है।
बट पहले ज्यादातर डिस्पोजेबल प्लेट्स लीव्स की बनी होती थी एंड दैट इज वेरी गुड फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल और वो इजीली सड़ जाती थी और उससे नेचर को भी कोई नुकसान नहीं होते थे. बट nowadays जो आपको प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेट्स मिलती है दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर द नेचर और एनवायरमेंट. सो एरेकानट लीव्स की हम डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने में भी यूज करते हैं और आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में बनाना ट्रीज बहुत होते हैं, बनाना साउथ में बहुत लगते हैं. सो देयर बनाना लीव्स आर यूज्ड एज अ प्लेट फॉर ईटिंग फूड. नेक्स्ट इज टेंडू लीव्स एंड टेंडू लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ ओरिसा. ग्रीन, वाई ग्रीन गोल्ड? बिकॉज यू नो दैट लीव्स आर ग्रीन इन कलर. एंड गोल्ड, वाई गोल्ड? बिकॉज यू नो गोल्ड इज वेरी प्रेशियस, वेरी कॉस्टली. सो इस टेंडू लीव से उड़ीसा में होता है और उड़ीसा के लोग इससे बहुत पैसा कमाते हैं. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा. नाउ वट इज द यूज ऑफ दिस टेंडू यूज? दिस टेंडू यूज लीव आर यूज टू रैप पर्टिकुलर थिंग्स और यू कैन से यूज फॉर पर्टिकुलर रैपिंग पर्पजेस और ये कुछ स्पेशल चीज को रैप करने के काम आता है. सो नेक्स्ट इज योर हनी. यू ऑल लाइक हनी, आई नो, एंड इट इज अ मेडिसिन ऑल्सो. मैनी ऑफ अस यूज इट एज अ मेडिसिन और बहुत सारे लोग आजकल इसका यूज पतले होने के लिए भी करते हैं. नाउ हनी, लार्ज बीहाइव्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट्स दैट आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी. यू ऑल नो दैट हनी बीज मेक हनी इन द बीहाइव्स एंड बहुत बड़े बड़े बीहाइव्स जो फॉरेस्ट में मिलते हैं हमको. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ बीहाइव एंड वी कैन कलेक्ट द हनी फ्रॉम दीज बीहाइव्स. फॉरेस्ट में बहुत सारे बीहाइव्स होते हैं जिससे कि बहुत सारा हनी निकलता है. एंड बी वैक्स इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिंस और जो बी के वैक्स जो ये कॉम्स होते हैं, बीहाइव्स होते हैं, इनसे जो वैक्स मिलता है ये कॉस्मेटिक्स और मेडिसिंस बनाने में भी यूज होता है. कॉस्मेटिक्स मींस ऐसे प्रोडक्ट्स, क्रीम्स और चीजें जो आप फेस पे, बॉडी पे लगाते हैं, दैट इज कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिंस. नेक्स्ट इज योर बैम्बू. बैम्बू यू ऑल नो, बांस. दिस प्लांट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट्स, बोट्स, ब्रिजेस, बकेट्स, क्लोथ, कुकिंग यूटेंसिल्स, फिशिंग रॉड्स, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पेपर, फर्नीचर, टॉयज, अम्ब्रेलाज एंड वॉकिंग स्टिक्स. बैम्बूज जो हैं ये फॉरेस्ट में, कई फॉरेस्ट होते हैं जिसमें बहुत बैम्बूज होते हैं. ईस्ट साइड को बहुत बैम्बूज होते हैं एंड बैम्बूज आर इज वेरी यूजफुल फॉर अस. यू कैन, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट सो मैनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम दीज बैम्बूज. दीज आर वेरी फ्लेक्सीबल सो दैट्स वाई इट इज यूज फॉर मेकिंग सो मैनी थिंग्स. बास्केट्स, यू मस्ट हैव सीन द बास्केट्स, टोकरी मेड अप ऑफ बैम्बूज, बोट्स, बिकॉज बैम्बूज की बहुत अच्छी बोट्स बनती है, ब्रिजेस, बकेट्स, क्लोथ्स, सो मैनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम बैम्बूज एंड दैट बैम्बूज वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट.
एंड इट इज ऑल्सो यूज एज फूड, और बैम्बूज खाने के लिए भी यूज किए जाते हैं. बैम्बू इज अ वेरी यूजफुल प्लांट. इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्लाइंड्स, ब्रशेस, कैनोज, कार्ड्स, चारकोल, चॉपस्टिक्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, फैंस, फेंसेस, फायरवुड, फूड स्टीमर, फर्नीचर, गार्डन टूल्स, हैट्स, इंसेंस, पार्टिकल बोर्ड, पेन, पाइप्स, प्लाई, रूफिंग, स्कैफोल्ड्स, टेबलवेयर एंड टूथपिक्स. सो यूजफुल, इतनी सारी चीजें इस बैम्बू से बनती हैं. नाउ द स्पेशल प्रोडक्ट्स, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, लैक एंड रबर आर सम स्पेशल प्रोडक्ट्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट्स. ये सारे स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं. यू ऑल नो सैंडलवुड, ये आपके मंदिर में टीका लगाने के लिए भी यूज किया जाता है. लैक से बैंगल्स बनती है. और रबर, यू ऑल नो दिस इज द रबर ट्री जिससे हमें रबर मिलता है. एंड दीज आर द सम स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट products. Thank you.